साहब आप बताइए, हरिनगर में इस बार माहौल क्या चल रहा है? किसी नगर हरिनगर में एक ही माहौल है, भाजपा 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 और शाम से कल दसों चुनाव आ रहे हैं एमसीडी से, इस बार कौन आएगी, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? आम पार्टी भी नहीं आएगी और ना कांग्रेस आएगी, इससे बीजेपी आएगी। जी आप बताइए इस बार किसकी सरकार, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? भाजपा आएगी जी। कहाँ से भाजपा आ जाएगी? लोग बहुत परेशान हो गए झूठ सुन सुन के, पहले चुनाव से 8 साल से इसने बोला जमुना साफ जमुना साफ जमुना साफ, नहीं हुई, नहीं हुई ना, कूड़े के पहाड़ का जो ये इन्होंने ब्लूमर फैला रखा ना, उसकी हकीकत नहीं पता आप लोगों को। आरोप लगाना, मुसीबत को पालना और अपनी जिम्मेवारियों से एक तरफ से हाथ झाड़ के खड़े हो जाना, वो केजरीवाल का काम है। 10 साल भ्रष्टाचार, बीजेपी ने किया दिल्ली का बुरा हाल। बाबू जी भ्रष्टाचार आपको ही मालूम है, देश में जो शराब नीति आई है केजरीवाल की है जी, कूड़े के ढेर लोग कह रहे हैं कूड़े के ढेर है हरिनगर में, दिखाइए कूड़े के ढेर, कौन सा कूड़ा ढेर है जो हरिनगर में लगा दिए कूड़े के पहाड़? मेरे को कूड़े को छोड़ दो, कूड़ा सब जगह होता है, हमारे घरों का कूड़ा कहाँ जाएगा, हम खा जाएंगे क्या कूड़ा या कोई ये खा जाएंगे? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ इंडिया के प्रोग्राम एमसीडी के रण में। आज हम जानते हैं हरिनगर के क्षेत्रवासियों से कि हरिनगर में क्या है माहौल। सर आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम प्रदीप छिब्बर है। छिब्बर साहब आप बताइए हरिनगर में इस बार माहौल क्या चल रहा है? किसी नगर हरिनगर में एक ही माहौल है, भाजपा 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 और शाम से किया भाजपा ने 15 साल भाजपा ने कूड़े के पहाड़ खड़े कर दिए, भाजपा ने बहुत कुछ किया है। कल दसों चुनाव आ रहे हैं एमसीडी से, इस बार कौन आएगी, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? आम पार्टी भी नहीं आएगी और ना कांग्रेस आएगी, इससे बीजेपी आएगी। क्यों बीजेपी? आज शुरू से बीजेपी रही है, बीजेपी ही आएगी। बीजेपी तो चंगे काम किए हुए साढ़े इलाके, काम चंगा किया, गंदे नालियां ने गंदी सड़क ने, एक केजरीवाल दे जे गंदी नालियां सड़क पट के सड़ देती है, किन कीतियां एक इन्हें नहीं कीतियां, बीजेपी ने इन्हें नहीं कीतियां, चालू वाले ने बुरा हाल हुआ, तुम नांगल जी जाके देखो कितना बुरा हाल किया हुआ, लोग इन्हें ना पानी खड़ा है, वो कौन करता है? आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी। हाँ बड़ी बेईमान पार्टी जी, केजरीवाल को कूड़े के पहाड़ से खड़ा कर दो, कूड़े का पहाड़ दस दो ना उदो तो खड़ा कर दो, कड़ा कूड़े का पहाड़ आएगा सारा, एक चोर आदमी हैगा, क्यों वीर जी तुम बीजेपी बदनाम करते हो? बोले सोनिहाल श्री अकाल जी। वीर जी आप जी का क्या है? आपका क्या नाम है सर? नरेंद्र पाठक। पाठक जी बात बताइए, चुनाव आ रहे हैं इस बार किसी सरकार, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? बीजेपी। कहाँ से आ गई बीजेपी, 15 साल से कुछ नहीं किया बीजेपी ने? बीजेपी ने 15 साल में क्या नहीं किया पहले आप ये बताइए मेरे को, आपसे ही क्वेश्चन कर, पहाड़ खड़े कर दिए, कूड़े के पहाड़ कहाँ पे आप ये बताओ, कहाँ पे जगह बताइए, कहाँ पे? बाईपास पे, बाईपास एक जो है गवर्नमेंट जगह देती है, आखिर जो पूरी दिल्ली का कूड़ा है वहीं गिरेगा ना, उसे कूड़े का पहाड़ कह कौन रहा, सिर्फ आम आदमी पार्टी और कोई कह रहा? कांग्रेस ने ये मुद्दा उठाया नहीं उठाया, इसमें आपकी दिल्ली में सरकार किसकी, केजरीवाल की, कितने साल हो गए? 8 साल ही तो हुए, अभी साल हुए तो 8 साल में ध्यान नहीं दिया, उसे कम कर सकती थी ना, एक मुद्दा बना रखा कूड़े का पहाड़, कूड़े का पहाड़, कूड़े का पहाड़ हटाना है, अरे कहाँ फिर केजरीवाल अपने घर ले जाएगा उसे? जवाब दे मेरे को कि केजरीवाल उसे क्या अपने घर में रखेगा कूड़े को, आखिर आएगा तो वही ना। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुनील चड्ढा जी। सुनील जी बात बताइए इस बार किसकी सरकार, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? भाजपा आएगी जी। कहाँ से भाजपा आ जाएगी? लोग बहुत परेशान हो गए झूठ सुन सुन के, पहले चुनाव से 8 साल से इसने बोला जमुना साफ जमुना साफ जमुना साफ, नहीं हुई, नहीं हुई ना, कूड़े के पहाड़ का जो ये इन्होंने ब्लूमर फैला रखा ना, उसकी हकीकत नहीं पता आप लोगों को? वो जगह निर्धारित की गई थी शीला दीक्षित के द्वारा, क्योंकि वहाँ आबादी नहीं थी, ठीक है, वहाँ कूड़ा फेंकने के लिए एक जगह निर्धारित की जाती है कि कहाँ कूड़ा डालना है, वहाँ वो जगह निर्धारित की गई, उसके पास आसपास जो नकली बसावट कराई गई वो करवाई गई आम आदमी पार्टी की तरफ से, जो आज बोल रहे हैं कि वहाँ पे लोग परेशान हो रहे हैं, लोगों को बसाए गलत आपने वहाँ पे, जब वो जगह कूड़ा फेंकने के लिए एक विभाग है DPCC दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, जो दिल्ली सरकार के अंडर आती है, जब वो आपके अंडर है तो कूड़े का पहाड़ आप संभालोगे या निगम संभालेगी? निगम का काम क्या होता है? आपके घर से कूड़ा उठाना, दिल्ली सरकार ने जो जगह बताई है वहाँ जाके फेंकना, उसका काम इतना है। वो पहाड़ खड़ा होगा, उसको आपने कैसे ख़त्म करना है, क्या करना है, वहाँ क्रशर लगाने हैं, वहाँ पे आपने खाद बनाने का यूनिट लगाना है, वो सब दिल्ली सरकार को करना पड़ेगा, निगम को नहीं करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा ब्लूमर फैला रहे हैं, कूड़े का पहाड़ की जिम्मेवारी दिल्ली सरकार की है, क्योंकि दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी उनकी खुद की है। चुनाव आ रहे हैं, आप की कह रहे हो किसकी सरकार, कांग्रेस आम आदमी पार्टी या बीजेपी में कुछ दम बचा 15 साल के बाद भी कुछ है कुछ? देखो सीधी सच्ची बात है, दिल्ली में सारे लोग पढ़े लिखे हैं, कुछ लोग हैं जो दिल्ली से बाहर से आकर यहाँ पर रहते हैं,
लेकिन अब दिल्ली का नागरिक जागरूक हो गया है, वो इस बात पे विश्वास रखता है कि अगर आप उसको रिजल्ट दोगे, काम दोगे, तो वो आपके लिए सोचेगा। इस बार जो मन बनाया दिल्ली के नागरिकों ने, उन्होंने मन बनाया कि काम करके दो और उनका वोट ले लो, और इसी परिपाटी को देखते हुए इस बार लगता है कि जो 250 सीटें निगम में घोषित की गई हैं, उनमें से बहुमत में बीजेपी आसानी से आ सकती है। हालांकि बीजेपी कहां से आ जाएगी सर, मैं बता रहा हूं आपको, बता रहा हूं, देखो हर चीज़ का तर्क वितर्क होता है। आपने क्वेश्चन स्ट्रेट वे बोल दिया कहां से आ जाएगी, मैं बता रहा हूं कहां से आ जाएगी, कि जिस तरीके से दिल्ली में भाजपा ने शासन किया है, एमसीडी की बात करेंगे, उसमें केजरीवाल ने कमियाँ निकाली हैं, लेकिन केजरीवाल कौन सा दूध का धुलावा है, पब्लिक की सेवा ईमानदार नेता, भारत नहीं पूरे विश्व के सबसे ईमानदार नेता अरविंद केजरीवाल जी हैं। वो आपकी निगाह में है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आपकी सोच अच्छी है, लेकिन मेरी सोच अलग है, मैं पब्लिक के साथ में, और पब्लिक ये देखती है कि उनके इलाके में जिस तरह का रवैया है, आरोप लगाना, मुसीबत को पालना और अपनी जिम्मेवारियों से एक तरफ से हाथ झाड़ के खड़े हो जाना, वो केजरीवाल का काम है। अगर नहीं है तो बताओ, मैं केजरीवाल को उस जमाने से जानता हूँ जो वो बिजली के मीटर ठीक कराने के लिए मयूर विहार में भटकता था। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजेश कुमार है जी। राजेश जी आप बताइए, तो चुनाव आ रहे हैं, किसकी सरकार, बीजेपी कांग्रेस या है, मतलब कितने आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या बीजेपी को दम बचा 15 साल के बाद? ऐसे क्यों नहीं दम बचा, बीजेपी ही एक है पार्टी जो है 15 साल भ्रष्टाचार बीजेपी ने किया दिल्ली का बुरा हाल। भाऊ जी भ्रष्टाचार आपको ही मालूम है, देश में जो शराब नीति आई है केजरीवाल की है जी, कूड़े के ढेर, लोग कह रहे हैं कूड़े के ढेर हरिनगर में, दिखाइए कूड़े के ढेर, कौन सा कूड़ा ढेर है जो हरिनगर में है? सर आम आदमी पार्टी की विधायिका कितना काम करती हैं राजकुमारी ढिल्लो जी? भाई जी कोरोना काल में एक भी आम आदमी पार्टी का वर्कर नज़र नहीं आया जी, एक बता दे कि हाँ जी मैंने यहाँ काम किया है, सब बीजेपी के कार्यकर्ता लगे पड़े थे जी, ऐसा कोई काम नहीं है जो उन्होंने ना कराया हो। कोई बंदे को बेड भी चाहिए तो चेतन जी से बात करो, एक मिनट बेड मिलता जी, मुझे एक भी वर्कर दिखा दिए। इस बार विधायक जो इस पर आ रहे हैं कैंडिडेट आ रहे हैं, वो तो भारी है ना, श्याम शर्मा तो भारी हैं। क्यों भारी हैं जी, किसने कहते भारी हैं जी, भारी कहाँ से हो गए सर, मुझे ये बता दो ना, यहीं रहते हैं वो प्रताप नगर, पहले हरिनगर में ही था वो, हरिनगर स्कूल में पढ़े हुए हैं जी, ये तो लोग अफवाह फैला रहे हैं भारी है, मेरे हिसाब से तो कोई भारी नहीं है जी। सर एमसीडी के चुनाव आ रहे हैं, आपकी क्या राय है, इस बार क्या होने वाला है एमसीडी में, इस बार कौन आएगा, कांग्रेस आएगी या आम आदमी पार्टी आएगी? ये हमारा जी ऐसा है ना, कांग्रेस आएगी ना आम आदमी पार्टी आएगी, बीजेपी का गढ़ है हमारा यहाँ पर। 15 साल बीजेपी ने किया दिल्ली का बुरा हाल, क्या नहीं किया जी बताओ, आप दिल्ली में लगा दिए कूड़े के पहाड़, मेरे को कूड़े को छोड़ दो, कूड़ा सब जगह होता है, हमारे घरों का कूड़ा कहाँ जाएगा, हम खा जाएंगे क्या कूड़ा, या कोई ये खा जाएंगे कूड़ा, धीरे धीरे उसका समाधान निकलेगा, एकदम कोई भी समाधान नहीं निकलता है। दूसरी बात ये है कि मेरे को ये बताओ, कोरोना दो टर्म्स में आया ठीक है जी, दोनों टर्म्स में ये आम आदमी पार्टी हरिनगर के कहाँ थे, दोनों टर्म्स से हम लोगों ने काम किया, हमारे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काम किया, अपनी जान जोखिम में डाल के काम किया हम लोगों ने, उसका कोई क्रेडिट नहीं, पहाड़ दिख रहे हैं इनको, पहाड़ कब नहीं थे, एक आम आदमी पार्टी से विधायक ने काम किया कोरोना काल में, कहाँ कोरोना काल को लेके बैठ के बात है, जमीनी हकीकत की, जमीन की ये है ना जी, कांग्रेस के राज में एक पहाड़ नहीं थे, कांग्रेस का जब राज था जब पहाड़ नहीं थे, आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूँ, आम आदमी पार्टी तो ऐसा है जी, वो कुछ भी कहते हैं, अब एक बात, घरों का कूड़ा इकट्ठा तो कहीं होगा ना, उसका समाधान निकाल रहे हैं। आपका क्या नाम है? ललित कुमार गुप्ता। गुप्ता जी आप चुनाव आ रहे हैं, किसकी सरकार, बीजेपी कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? बीजेपी। क्यों बीजेपी? बीजेपी है जी, कोरोना काल में वो खुद वहाँ बैठी हुई थी, पानी यहाँ पे गंदा इतना आता है पूछो मत, काला पानी आता है, जो काम होते हैं वो तो करवाती नहीं है। कौन नहीं करवाती? यहाँ से कोकल राजकुमारी ढिल्लो एमएलए हमारी। सर वो तो कह रहे हो आम आदमी पार्टी के, आम आदमी पार्टी के सारे विधायक ईमानदार है, खजान बस्ती में जाके झांका तक नहीं है, मायापुरी में खजान बस्ती, खजान बस्ती बीजेपी का गढ़ है सर। सर बीजेपी का गढ़ है या नहीं है, झुगियाँ भी है वहाँ पे, उसने क्या काम करा है वहाँ पे, पूरी झुगियाँ है रेलवे लाइन के, पानी भरा पड़ा है, पानी इतना गंदा है कि पूछो मत,